अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इम्पोर्टेंट होता है, चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहाँ तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि ये तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हो, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का, मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है।